नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने एक बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, और वो किस चीज़ का है? सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करें तो आपसे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 9212 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सीआरपीएफ में कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के 9212 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से सीआरपीएफ में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 2372 पोस्ट है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल के लिए 544 पोस्ट है ओनली मेल कैंडिडेट की, कोवलर की 191 पोस्ट है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, कारपेंटर की 139 पोस्ट है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, टेलर की 242 पोस्ट है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें ब्रास बैंड की तो 172 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए, 24 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। पाइप बैंड की अगर बात करें तो 51 पोस्ट है वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, बगलर की अगर बात करें 1340 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और 20 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें गार्डनर की तो 92 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए ओनली, पेंटर की 56 पोस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, कुक वेटर करियर की अगर बात करें 24 29 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, 46 पोस्ट है वो फीमेल के लिए, वाशरमैन की 403 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, 3 पोस्ट है वो फीमेल के लिए, बारबर की 303 पोस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, सफाई कर्मचारी की 811 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, 13 पोस्ट है वो फीमेल के लिए, हेयर ड्रेसर की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल अगर बात करें तो 9105 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए और 107 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल अगर बात करें तो 9212 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो ड्राइवर की अगर बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, साथ में आपको हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की अगर बात करें तो आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपको ITS सर्टिफिकेट है वो संबंधित ट्रेड से होना जरूरी है। बाकी सभी पोस्ट की अगर बात करें तो आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए या फिर साथ में आपको क्या है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। अगर आपने रिलेटेड ट्रेड से आपके पास वर्किंग नॉलेज है और आपने 10वीं कक्षा पास करके तो आप बाकी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपकी 21 से 27 वर्ष एज होनी जरूरी है और बाकी सभी जो ट्रेड है उनकी अगर बात करें तो 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 27 मार्च 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2023 रखा गया है। फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2023 है। अगर बात करें सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का जो एडमिट कार्ड वो कब जारी होगा तो आपका 20 जून 2023 को आपका ट्रेड्समैन का आपका जो एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें यानी सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2023 तक आपका एग्जाम वो आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और एडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 100 रुपये फीस लगेगी, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी फीमेल की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाले उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आपको के आवेदन करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम पैटर्न होगा उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें हिंदी या इंग्लिश आपको एक चूज करना है, ऑप्शनल है। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और जीके आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ओरिजिनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के पेपर के बारे में अपन बात करें तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 100% होंगे, 100 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका एक नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग वो रहने वाली है। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। पेपर आपका तभी भाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका पेपर होगा। सबसे बड़ी बात क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 अंक की, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोच समझ कर सोल्व करना होगा। चलिए बात करते हैं कि सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिलोलिज्म, नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, डायरेक्शन, पैटर्न, कोडिंग रिकॉर्डिंग, अल्फाबेट टेस्ट और नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस का तो इसमें आएगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड प्राइज, बुक एंड ऑथर, पॉलिटी, इकोनॉमी, कैपिटल एंड करेंसी, इंपोर्टेंट डे और डेट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें एथमेटिक का तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एलसीएम, सिंपलीफिकेशन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और मिसलेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका संधि, आ जाएगा संधि समास, अलंकार, क्रिया भेद, रूपांतरण, समास, शब्द पद, मुहावरे, लोकोक्तियां, मिश्र और संयुक्त वाक्य, गद्यांश और वाक्य संशोधन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश की अगर बात करें इसमें आएगा करेक्ट ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, एरर रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन इन राइटिंग एबिलिटी, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक, यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ग्रामर, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, फ्रेजेज एंड एडियम, यूज ऑफ वर्ड्स से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आपके ये टॉपिक है वो आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आपका इवेंट रहने वाला है, तो इसमें आपका हाइट होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है आपका होना चाहिए, बाकी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपका जो हाइट है वो रहना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट है वो 150 सेंटीमीटर कम से कम होना जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की अगर बात करें बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा ओनली मेल कैंडिडेट को। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की क्या इसमें आपकी क्या चेस्ट नहीं मापी जाएगी। अगर बात करें वेट के बारे में तो मेल और फीमेल का जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये वेट है वो मापा जाएगा। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन सैलरी आपकी रहने वाली है पे लेवल इसमें आपके 3 के अकॉर्डिंग आपकी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो आपकी ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से डिस्कस किया कि अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हम डिस्कस किया कि सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी
और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है तो आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी आ जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं कि नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।